जी ये बात करनी है और बाहर से आनंद चित्रण की और अंदर से इतना सस्ती और बाहर से भी और इसका आलू और पनीर और चीज इतना यम्मी टेस्ट है आप खाओगे खाओ खाओ खाओ। दिनों के बाद आज हम भी बाहर कहीं आ गए हैं, विया के डिमांड पे आए हैं ना। मैंने क्या बोला था? आप ही तो बोल रहे थे घूमने चलो। आज हम आए हैं बहू फोर्ट के पास, बहू फोर्ट के पास केसी डाइनिंग नया रेस्टोरेंट खुला है, केसी एक्सप्रेस डाइनिंग। ये है एंट्री, ये देखिए इसका बोर्ड केसी एक्सप्रेस डाइन इन। एंट्री तो काफी बड़ी है, हाँ? हाँ अभी क्लोज है, इसकी टाइमिंग है 5:30-6 बजे तक लास्ट। लुधियाना दे ते जम्मू दे हैं। ये देखो विहार शुरू हो गई अपनी मस्ती। तो फिर जग्गी जी बताइए आपका एक्सपीरियंस कैसा लग रहा है यहाँ आके आपको? कैनेडा फूड जर्नी ਸਾਡਾ ਖਾਣ ਵਾਲਾ ਚੈਨਲ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਕੁਝ ਦੱਸਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਨਾ। ਸਾਡਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਫੂਡ ਜਰਨੀ ਚੈਨਲ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਤਾਂ ਜਰਨੀ ਟੁਵਰਡਸ ਲਾਈਫ ਹੈ ਤੇ ਜਰਨੀ ਆਈ ਜਾਂਦੀ ਆ ਔਰ ਡਿਫਰੈਂਟ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਰਨੀ ਫੂਡ ਵਾਲੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡੀ ਜਰਨੀ ਹੈਗੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਐਕਚੁਅਲੀ ਜਰਨੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਨਵੀਟੇਸ਼ਨ ਸੀਗਾ ਦੈਨ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਆ ਗਏ ਤੇ ਨਿਊ ਪਲੇਸ ਦੇਖਿਆ ਆ ਗਿਆ। ਤੇ ਇਹ ਦੇਖੀਏ ਵਿਊ, ਦੇਖੀਏ ਕਿੰਨਾ ਸੁੰਦਰ ਹੈ। ਇਹ ਬਹੁ ਫੋਰਟ ਕੇ ਪਾਸ ਕੇਸੀ ਡਾਈਨ ਇਨ, कितना सही। यहाँ से रोपवे जाती है, ये देखिए ये अभी अंधेरा है, यहाँ ये सेंटर है इसका, तो ये आती है मोह माया टेम्पल को। तो किस दिन हम दोपहर के आएंगे, शाम के टाइम भी, अभी थोड़ी गर्मी है सही, तो मज़ा आपको सर्दियों में आएगा ताकि आप शाम को वहाँ पे होके भी आएँ और यहाँ पे आके रेस्टोरेंट में खाने का मज़ा लें। नहीं तो चलिए फिर एंट्री करते हैं। यहाँ नीचे हमारा बावे वाली माता मंदिर है काफी मशहूर, उसके साथ भागे बहु हाँ। आज फूड जर्नी में और जर्नी टुवर्ड्स लाइफ में आई थिंक मैं स्टार हूँ अभी। आज जग्गी जी बोलेंगे हमारे बिहाफ पे। एक्चुअली अभी ये बताओ कि हम बिना रिजर्वेशन के आ गए, तो हमने सोचा था कि टेरेस पे बैठ के वहाँ पे वीडियो बनाएंगे तो ज़्यादा कुछ अच्छा सा वीडियो बनेगा, तो वहाँ की तो बुकिंग मिली नहीं हमें। तो चलो बुकिंग मिली नहीं है पहले हम आ गए, तो चलो अभी हम रेस्टोरेंट के अंदर ही बैठ गए हैं। तो देखिए रेस्टोरेंट दिखा देता हूँ आपको, है ना। तो रेस्टोरेंट ऊपर भी है सिटिंग बैठने की, तो रेस्टोरेंट काफ़ी बड़ा है। तो ये देखिए ये हमने वेज मैंचाओ सूप मंगवाया है अपना जगी और मनप्रीत के लिए, और अपने लिए हमारे लिए आया है लेमन कोरिएंडर चिकन सूप। तो अब पहले ये टेस्ट करेंगे हम, फिर बताएंगे आपको कैसा है। हाँ ये भाई विया का, विया और पापा दोनों शेयर कर रहे हैं थोड़ा थोड़ा। तो सबसे पहले विया के लिए है ना, कैसा लगा? कैसा टेस्ट लगा? कैसा भी यहाँ पे बताओ, यहाँ पे मैं भी कर लेता हूँ भाई, मेरे को करा दो टेस्ट। हाउ'स दैट? सूप तो काफी टेस्टी है। तो शिफाली जी कैसा लगा आपको? अच्छी पे पीछे स्पीक लाउड। इतनी आवाज आ रही है, इनकी आवाज थोड़ी कम ही निकलती है, ये पैक डाला हुआ बीच में है ना। वाह मक्खन जैसा लग रहा है पूरा, मक्खन। ओके आज ऐसा ही खाते हैं। मैं प्रीति आपको बहुत यम्मी चल रहा, जैसे बड़ा बटरी कर रहा। वाह और पित्तू कैसा है? चलिए सूप को काफ़ी अच्छा हो गया, अब देखते हैं अपना नेक्स्ट क्या आता है। देखो भाई हमारे स्टार्टर्स चिकन लॉलीपॉप और ये चिली सेजवान चीज़ आ गया है। हाँ जी स्मोक्ड चिली सेजवान चीज़, भाई स्मोकी फ्लेवर दिया है, तो देखते हैं अब ट्राई करते हैं ये कैसा बना है। तो प्राइस इसका ठीक है,
राइस के हिसाब से थोड़े चिकन लॉलीपॉप थोड़े छोटे छोटे हैं साइज वो थोड़ा सा मेरे को लगा साइज मतलब चिकन लॉलीपॉप को थोड़ा बड़ा होना चाहिए और टेस्ट कर लेते हैं देखो भाई है तो काफ़ी टेस्टी लेकिन बस मुझे बस कमी लगी कि साइज थोड़ा छोटा है प्राइस में 400 प्राइस में टैक्स है 400 प्लस टैक्स या इसमें तो चार पांच ही है अराउंड 100 के आसपास है एक पीस ये आपका मैं ये भी ट्राई कर लेता हूँ भाई ये मंत्री तो चक्की के लिए है लेकिन हम ट्राई करके बताएंगे कैसा है भाई टेस्टी है चिली पनीर की तरह सेजवान सॉस है थोड़ी स्मोकी फ्लेवर लेकिन मेरे को उतना आ नहीं रहा जितना आना चाहिए बिना कंट्रोल्स कंट्रोल योर इमोशंस प्राइस अच्छे हैं अच्छे क्रिस्पी और यम्मी क्रंची अच्छे हैं प्राइस काफी क्रिस्पी हैं अच्छे हैं ओके टेस्टी है नहीं तो भाई इसका मतलब है कि भैया को ये फ्राइज़ इनके बहुत पसंद आए हैं वैसे मुझे भी काफ़ी पसंद आए हैं तो स्टार्टर्स हमारा ऑलमोस्ट हो गया है सारा ये देखिए तो ये देखो भाई हमारा मेन कोर्स आ गया है ये है हमारे वेज फ्राइड राइस और ये है वेज मंचूरियन ये हमारा बटर चिकन उसके साथ ये स्टीम राइस है प्लेन कॉम्बो है हमारा साथ में ये हमारा मटन रोगन जोश और उसके बाद ये है हमारा बटर नान अब हम टेस्ट करते हैं इसको फिर बताते हैं आपको कैसा है ठीक है पहले भैया बताएगी मम्मा के पास ही है रुक जाओ भैया क्या खाने लगी है भैया को मटन रोगन जोश पसंद आया वेज फ्राइड राइस और मंचूरियन है ये जग्गी उनके लिए आया है मैं सिर्फ टेस्ट करके बता रहा हूँ कैसा है चलो वही वेज मंचूरियन और फ्राइड राइस अच्छा है टेस्टी है अच्छा लगा मेरे को अभी ये मैंने आटे की तंदूरी रोटी मंगवाई है अपने लिए ये है मटन रोगन जोश उसकी बाइट लूँगा अच्छा लेकिन थोड़ा मटन ज़्यादा गला हुआ मुझे इतना गला हुआ पसंद नहीं है ओके ऐसे अच्छा है अभी है इनका बटर चिकन ये मैं ऐसे बटर चिकन ठीक है यार थोड़ा ज़्यादा मीठा है उतना अच्छा नहीं लगा यहाँ पे आइए ट्राई कीजिए केसी एक्सप्रेस डाइनिंग में ठीक है तो हम अब ये कंप्लीट करते हैं तो भाई ये चल रहा है व्यू का लास्ट है स्वीट्स चाहिए ना बिना इसके तो मील कंप्लीट नहीं है ना भैया केसर पिस्ता जो आपको पिस्ता आपको पसंद नहीं है लेकिन टेस्टी है ना चलो ठीक है खाओ फिर